Dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English. और मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हो? छुट्टियाँ कैसी बीतीं? क्या पढ़ाई की या नहीं की? रीडिंग करना मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ कि रीडिंग करना मस्ट है, सो कीप रीडिंग. ओके, नाउ आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स हनीसकल चैप्टर नंबर 2, How the dog found himself a new master के word meaning. Okay, तो हमने इसमें देखिए word meaning में centuries, a group of 100 years, 100 सालों का समूह, domesticated good at chorus का meaning घर के कामों में कुशल अच्छे होना, tamed का meaning pet पालतू, freedom लिबर्टी आज़ादी, इल प्लीज्ड नॉट हैप्पी बिल्कुल खुश ना होना दुखी होना, वांडरिंग रोमिंग इधर उधर भटकना घूमना, फ्राइटेंड फियर्ड डरना, किन्समैन रिलेटिव कोई रिलेटिव रिश्तेदार होना, फियरस फ्राइटनिंग डर आतंक से भरा होना भयानक, स्निफ्ड टू टेक ब्रेथ थ्रू नोज नाक के जरिए सांस लेना, डार्टेड टू मूव सडनली अचानक एक जगह से हट जाना, क्रैप्ड टू मूव केयरफुली सावधानी से हटना, हर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एक बहुत बड़ा जानवरों का झुंड समूह, हॉरिबल टेरिबल भयानक, पैनिक फियर डर, मूइंग साउंड ऑफ काउस काव की आवाज़ को मुइंग कहते हैं, हेस्टिली क्विकली जल्दी से, बीस्ट वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, डेयर्ड टू बी ब्रेव या साहस कर रखना बहादुर होना, ऑफेंड का मीनिंग मेक अनहैप्पी किसी को दुखी करना, क्लिफ अ स्टीप हाई रॉक एक निकली हुई ऊंची चट्टान, रोयर अ साउंड ऑफ लॉयन शेर की आवाज़ शेर की दहाड़, ट्रबल डिफिकल्टी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए. सब्सक्राइब करना मत भूलिए. नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.